हेलो एवरीवन, आज की कहानी है मैडम राइज द बस। एक छोटी सी लड़की है, 8 साल की वली, जिसका पूरा नाम वलिया माई है, उसे शॉर्ट में वली कहते हैं। और वह 8 साल की छोटी सी लड़की है। उसका मुख्य जो पास टाइम है, फेवरेट पास टाइम है, कि वो अपने गेट पर खड़ी रहती है, अपने घर के गेट पर खड़ी रह कर के अपनी गली में जो हो रहा है, स्ट्रीट आउटसाइड जो हो रहा है, वह हमेशा देखती रहती है। क्योंकि उसके साथ खेलने के लिए उसके प्लेमेट्स नहीं हैं, उसकी एज के कोई भी बच्चे उसकी गली में नहीं हैं, और इसीलिए वह अपने गेट पर खड़ी होकर के गली के बाहर के जो आउटसाइड में जो चीज़ें हैपनिंग्स हैं उन्हें देखती रहती है। उसके लिए यह बहुत अच्छा मज़ेदार काम होता है, वह हमेशा इस काम को एंजॉय करती है। एंजॉयबल है उसके लिए ये, क्योंकि जैसे उसकी एज के जो और बच्चे खेल करके जो मज़े लेते हैं, वह अपनी गली में वॉच करके जो उसका जो चीज़ें देखती है, उससे वह काफ़ी अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस कर लेती है। यानी कि उसे बहुत सारे ऐसे अनुभव होते हैं, एक्सपीरियंस होते हैं अपनी गली में खड़े होकर के, जो उसके जो एज के बच्चे हैं वो खेल करके भी उतने अनुभव नहीं कर पाते हैं, एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं। द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल वाज द बस। उसमें सबसे जो इसकी चीज़ क्या है कि एक बस में यात्रा करती है। कहाँ से कहाँ तक यात्रा करती है? उसके गांव से लेकर के एक पास का टाउन होता है, नियरेस्ट एक टाउन है, वहाँ पर वह एक बस में यात्रा करती है, ट्रेवल करती है। और कौन सी बस में वह जाती है? जो हर घंटे उसकी गली में से आती है और वापस लौट करके भी आ जाती है। बस में जो सीन है, वह हमेशा वह देखती रहती है कि किस प्रकार से बस आती है और वहाँ पर पैसेंजर बैठे रहते हैं। और ये वल्ली के लिए काफ़ी जॉय के लिए जॉयफुल होता है, उसे अच्छा लगता है। डे आफ्टर डे सी वॉच द बस। वो हमेशा बस को देखती रहती है, जब भी बस आती है हर घंटे, तो वो उसे देखती रहती है। और उसके दिमाग में एक चीज़ आती है कि वह उस बस में यात्रा करना चाहती है, चाहे एक ही बार चली जाए, ट्रेवल करना चाहती है, भले वो एक बार चली जाए। और ये उसके अंदर जो इच्छा होती है, विश जो होती है, उसकी स्ट्रॉन्गर होती जाती है। और एक दिन जो है, कॉर्नर पे बस आकर के रुकती है और उसके सपने उसे हमेशा आते रहते हैं। इफ़ वन ऑफ आर फ्रेंड्स हैपन टू राइड द बस, वो सोचती है कि उसका कोई फ्रेंड जो है बस में जाए, तो वह उसके साथ चली जाए। एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द साइट्स ऑफ द टाउन टू हर। वाली वुड बी टू जेलस टू लिसन, वुड शाउट इन इंग्लिश, प्राउड प्राउड। अब देखिए, उसे कोई ये बता देता है कि टाउन में क्या क्या हो रहा है, उसके मन में पूरी तरह से वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर विश उसे हो जाती है, वो देखना चाहती है कि टाउन में क्या हो रहा है। उसने जो उसके पड़ोसी थे, उससे काफ़ी दिनों तक ये सब बातें सुनी, जो बस में जाया करते थे उनसे उसने काफ़ी उनकी बातचीत सुन करके, और फिर अपने यहाँ वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ करके उसने कुछ जानकारियाँ इकट्ठी कर ली थी कि बस में क्या क्या होता है, कैसे जाना होता है। This way she picked up various small details about the bus journey. उसे पता चल गया था कि बस जर्नी कैसे करनी है, क्योंकि उसने आसपास के लोगों से, जो पैसेंजर्स थे उनसे जानकारी ले ली थी, नेबर से भी कुछ पूछ लिया था। उसके घर से टाउन जो था वो 6 miles दूर था और किराया 30 paise था एक साइड का किराया 30 paise ओनली था, तो उसके लिए कुछ बड़ी बात नहीं थी। She heard one well-dressed man say, but to Wali, who scarcely saw that much money from 1 month to the next, it seemed a fortune. The trip to the town took 45 minutes. और उसने 30 paise जो है उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, और उसे लगा कि ये उसके लिए अच्छा मौका है, तो यात्रा के लिए केवल
45 मिनट्स लगते थे टाउन जाने के लिए। ऑन रीचिंग टाउन शी स्टेड इन हर सीट, और अपनी सीट पर ही वो बैठी रही एंड पेड अनदर 30 पैसे, और 30 पैसे और दे दिए। शी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस, वो वापस उसी बस में आ सकती थी। दिस मीन दैट शी कुड टेक द 1 o'clock आफ्टरनून बस, यानी कि उसे 1 बजे की बस लेनी होती। रीच द टाउन एट 1:45, और 1:45 पर वो उस टाउन में पहुंच जाती एंड बी बैक होम बाय अबाउट 2:45, यानी 10-15 मिनट बस वहाँ खड़ी होती, अगले 45 मिनट में वो वहाँ से लौट करके आ जाती। ऑन एंड ऑन वेंट हर थॉट्स एज शी कैलकुलेटेड एंड रीकैलकुलेटेड प्लान्ड एंड रीप्लान्ड। अब देखिए, वह हमेशा कैलकुलेशन करती रहती थी, फिर से कैलकुलेशन करती रहती थी, प्लानिंग करती रहती थी कि कैसे वह बस में जाएगी। वेल, वन फाइन स्प्रिंग डे द आफ्टरनून बस वाज जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ लीविंग द विलेज एंड टर्निंग इनटू द मेन हाईवे व्हेन ए स्मॉल वॉइस वाज हर शाउटिंग स्टॉप द बस, स्टॉप द बस, एंड ए टाइनी हैंड वाज रेज्ड कमांडिंगली। एक टाइम ऐसा आया जब बस आ गई और गांव से टाउन की तरफ जाने ही वाली थी, तो उसने आवाज़ लगाई कि बस रोको, बस रोको, और बस जो है रुक गई। फिर वह चिल्लाई कि मैं हूँ, उसने कहा मैं हूँ, तो कंडक्टर कहता अरे अरे आप हैं? यस आई सिंपली हैव टू गो टू टाउन, वह कहती है कि मुझे टाउन जाना है, और वह पहले ही पैसे दे देती है, कंडक्टर को पैसे पहले ही दे देती है। यस सिंपली आई हैव टू गो टू टाउन, और कहती है कि मुझे जाना है। ओके ओके, कंडक्टर कहता है ठीक है ठीक है, और वह उसे ऊपर चढ़ाने के लिए अपना हाथ देता है, लेकिन वह कहती है नेवर माइंड, शी सेड आई कैन गेट ऑन माई बाय माई सेल्फ, मैं खुद ही चढ़ जाती हूँ, मुझे किसी की मदद लेना पसंद नहीं है। वह कहती है कि मैं किसी की मदद नहीं लेती हूँ, इसलिए मैं खुद ही बस में चढ़ जाऊँगी। फिर कंडक्टर कहता है कि नाराज मत हो, ठीक है आप खुद ही चढ़ जाओ। फिर वह लोगों को कहता है कि मैम के लिए सीट दे दो, और इट वॉज द स्लैक टाइम ऑफ डे एंड देयर वर ओनली 6 or 7 पैसेंजर्स ऑन द बस, बस में केवल 6-7 लोग थे, क्योंकि इतना स्लैक टाइम चल रहा था, जब ज़्यादा काम नहीं होता तो लोग कम बस में थे, और वो वाली को देख रहे थे, कंडक्टर पर भी हंस रहे थे। वाली वाज ओवरकम विद शाइनेस, अवॉइडिंग एवरीवन्स आईज शी वॉक्ड क्विकली टू एन एम्प्टी सीट एंड सैट डाउन। वली को थोड़ी शर्म आ रही थी, लेकिन उसने ओवरकम कर लिया शाइनेस पे, और फिर सबकी आंखें बचाते हुए एक खाली सीट पर जाकर के वह बैठ जाती है। मे वी स्टार्ट नाउ मैडम, द कंडक्टर आस्क स्माइलिंग। अब उसको कंडक्टर हंस के पूछता है कि हम शुरू करें, बस को चालू करें। नई बस थी और उसे बहुत ही अच्छे सफ़ेद रंग में उस पर हरी पट्टियों से पेंट किया हुआ था। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वाली अबव द विंडशील्ड देयर वाज ए ब्यूटीफुल क्लॉक, और उसमें एक घड़ी भी लगी हुई थी। सीट काफ़ी लग्जीरियस थी उसकी, सॉफ्ट थी, और वली जो थी वो सभी को देख रही थी, अपनी आंखें इधर उधर घुमा के वह सबको देख रही थी। बट व्हेन शी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड, जब उसने बाहर देखा तो उसने हर व्यू कट ऑफ बाय ए कैनवास ब्लाइंड दैट कवर द लोअर पार्ट ऑफ हर विंडो, सो शी स्टूड अपॉन द सीट एंड पियर्ड ओवर द ब्लाइंड। एक पर्दा लगा हुआ था, उसके ऊपर से उसने झांक करके देखा, बस की सीट के जो विंडो होती है उसमें एक पर्दा लगा हुआ था, वहाँ से वह झांक करके देखती है। द बस वॉज नाउ गोइंग अलोंग द बैंक ऑफ ए कैनाल, एक कैनाल के पास से बस जा रही होती है, और रोड जो थी वो ज़्यादा बड़ी नहीं थी, नैरो थी। ऑन वन साइड देयर वॉज द कैनाल एंड बियॉन्ड इट पाम ट्रीज, ग्रास लैंड, डिस्टेंट माउंटेन्स एंड द ब्लू ब्लू स्काई,
और उसके दूसरी तरफ क्या थे, पाम के पेड़ थे, वृक्ष थे, ट्रीज थे, और घास, पर्वत, माउंटेन्स थे, और ब्लू ब्लू स्काई भी था। ऑन द अदर साइड वॉज ए डीप रिच एंड देन एकर्स एंड एकर्स ऑफ ग्रीन फील्ड्स। उसके दूसरी तरफ बहुत बड़े बड़े खेत थे, फील्ड्स थे, ग्रीन थे, सब ग्रीन फील्ड्स थे। ओ इट वॉज ऑल्सो वंडरफुल। अब उसे ये सब कैसा लग रहा है, वंडरफुल लग रहा है उसे, काफ़ी वो चकित है ये देख करके। सिटिंग डाउन शी लुक टू सी हु हैड स्पोकन। बैठ करके उसने सुना कि उसे कौन बोल रहा है, एक बड़ा आदमी उसे बोल रहा था जो उसकी चिंता कर रहा था। देयर इज़ नोबडी हियर हु इज अ चाइल्ड। उसने कहा मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मैंने सबकी तरह 30 पैसे दिए हैं। फिर कंडक्टर कहता है ओ सर बट दिस इज़ ए वेरी ग्रोन अप मैडम, ये बहुत बड़ी हैं। डू यू थिंक ए मियर गर्ल कुड पे हर ओन फेयर। क्या आप सोचते हो कि कोई छोटी बच्ची किराया दे सकती है। वली शॉट एंड एंग्री ग्लेंस एट द कंडक्टर एंड सेड आई एम नॉट ए मैडम प्लीज़ रिमेंबर दैट एंड यू हैव नॉट येट गिवन मी माई टिकट। वह कहती है कि आपने मुझे अपना टिकट भी नहीं दिया मेरा। कंडक्टर कहता है मुझे पता है। द कंडक्टर पंच्ड ए टिकट एंड हैंडेड टू हर, और टिकट उसको दे देता है। जस्ट सिट बैक एंड मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल। वो कहता है कि आराम से बैठ जाओ, आपने जब पैसे दिए हैं तो आप खड़े क्यों हो। कंडक्टर कहता है बट इफ़ यू स्टैंड ऑन द सीट यू मे फॉल एंड हर्ट योरसेल्फ व्हेन द बस मेक्स ए शार्प टर्न और हिट्स ए बम। वो कहता है कि अगर आप सीट पर बैठोगे नहीं तो आपको चोट लग जाएगी, जब भी कोई शार्प मोड़ आएगा, टर्न आएगा, तो आपको चोट लगने का खतरा है, इसलिए आप सीट पर आराम से बैठ जाइए। तभी कहती है कि आई एम नॉट ए चाइल्ड, मैं एक छोटा बच्चा नहीं हूँ। आई टेल यू, मैंने आपको बताया ना, आई एम 8 ईयर्स ओल्ड, मैं 8 साल की हूँ। ऑफ कोर्स हाउ स्टूपिड ऑफ मी 8 ईयर्स माय। 8 साल बहुत बड़ा होता है 8 साल। द बस स्टॉप्ड, सम न्यू पैसेंजर्स गॉट इन। बस रुकी और कोई नई पैसेंजर्स आकर के वहाँ बैठ जाते हैं। अब वो कंडक्टर जो था कुछ समय के लिए बिजी हो जाता है। एफ्रेड ऑफ लूजिंग हर सीट वाली फाइनली सेट डाउन। वाली को लगता है कि कोई उसकी सीट ना ले ले, इसलिए वो भी बैठ जाती है। एन एल्डरली वुमन केम एंड सेट बिसाइड हर। एक महिला आती है और उसके पास बैठ जाती है। क्या तुम अकेली हो, वह पूछती है। वली फाउंड अ वूमन एब्सोल्युटली रिपल्सिव, सच बिग होल्स सी हैड इन हर ईयर लोब्स एंड सच अगली इयररिंग्स इन दैम। वो उसके जो कान देखती है उसमें बड़े बड़े उसने टॉप्स, उसके जो टॉप्स हैं, इयररिंग्स हैं, उनको वह देखती है, और उसे पान की जो खा रखा है उस महिला ने उसमें उसको स्मेल आती है। बीटल नट जो उसने खा रखा है, वो च्यू कर रही है बीटल नट को, उसे स्मेल आती है, और उसके होठों पर जो है पान का जूस इधर उधर फैला हुआ है, जो उसे अच्छा नहीं लगता, वो उसे बहुत बुरा लगता है। फिर वे कहती है हाँ मैं अकेली यात्रा कर रही हूँ। येस सी इज़ ऑन हर वे टू टाउन सेड द कंडक्टर। वो कह रहा है कि वह टाउन जा रही है। कंडक्टर कहता है विद ए 30 पैसे टिकट। उसने 30 पैसे दिए हैं, वो मजाक करता है। ओ वाई डोंट यू माइंड योर ऑन बिजनेस। वली कहती है कि आप अपना काम करो ना। बट शी लाफ्ड ऑल द सेम एंड द कंडक्टर लाफ्ड टू। और वो हंसती है, साथ ही कंडक्टर भी हंस देता है। बट द ओल्ड वुमन वेंट ऑन विद हर ड्राइवल। इज इट प्रॉपर फॉर सच ए यंग पर्सन टू ट्रेवल अलोन। इतनी छोटी बच्ची का क्या अकेले जाना ठीक है। डू यू नो एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग इन टाउन। क्या तुम्हें पता है कि टाउन में कहाँ जाना है। वॉट इज़ द स्ट्रीट, कौन सी गली में जाओगे, कौन से घर में जाओगे। तो वह कहती है कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हर फर्स्ट जर्नी वॉट केयरफुल पेंस टेकिंग एलेबोरेट प्लान सी हैड टू मेक फॉर इट। उसने बहुत सारे प्लान बनाए थे अपनी पहली जो ये यात्रा की थी, और
जो था शी हैड थ्रिफ्टली सेव्ड वॉट एवर स्ट्रे कॉइंस केम हर वे, रिजिस्टिंग एवरी टेम्पटेशन टू बाय पेपर मेन्स टॉयज बलून्स एंड द लाइक, एंड फाइनली शी हैड सेव्ड ए टोटल ऑफ 60 पैसे। उसने अपने पेपरमेंट खरीदने के पैसे, टॉय खरीदने के, बलून खरीदने के सब पैसे बचा करके ये 60 पैसे टिकट के लिए बचाए थे। 60 पैसे उसने टिकट के लिए कैसे बचाए थे? उसने पेपरमेंट नहीं खरीदा, खिलौने भी नहीं खरीदे, बलून्स भी नहीं खरीदे थे, और ये उसके लिए काफ़ी मुश्किल था कि वह कैसे अपने ये पैसे बचाए और पहले ही अपनी ट्रेवल कैसे करे, जर्नी कैसे करे। बाद में उसने बड़ी मुश्किल से पैसा बचा लिया था। और दूसरी उसकी क्या मुश्किल थी कि मम्मा को बताए बिना वह घर से बाहर कैसे जाए, लेकिन उसने थोड़ी मुश्किल से ये काम कर लिया था। एवरी डे आफ्टर लंच और मदर वुड नैप फ्रॉम अबाउट 1 to 4 और सो, थोड़ी देर के लिए जब खाना उसकी मम्मा खाती थी तो वो थोड़ी देर सो जाती थी। वाली अलवेज यूज दीज आवर्स फॉर हर एक्सकर्शंस एज शी स्टूड लुकिंग फ्रॉम द डोरवे ऑफ हर हाउस ऑफ सम टाइम्स, और वो उसी समय के इंतजार में थी कि हमेशा वो ये काम करती थी कब, जब उसकी मम्मा खाना खा करके थोड़ी देर के लिए नैप ले लेती थी, झपकी ले लेती थी, और तब वह घर से बाहर चली जाती है। द बस रोल्ड ऑन नाउ कटिंग अक्रॉस ए बेयर लैंडस्केप, अब बस जो है एक बेयर लैंडस्केप पर चल रही होती है। और समटाइम्स द बस सीम्ड ऑन द पॉइंट ऑफ गॉबिंग अप अनदर व्हीकल दैट वॉज कमिंग टूवर्ड्स देम ऑन ए पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग द रोड, बट लो समहाउ इट पास्ड ऑन स्मूथली लीविंग ऑल ऑब्स्टेकल्स सेफली बिहाइंड। पूरी तरह से बस जो है एक क्रॉसिंग द रोड जो साइड चल रहा है उस पर चलती है और एक फुटपाथ के पास से गुजर रही होती है। ट्रीज केम रनिंग टूवर्ड्स देम, पेड़ ऐसे लग रहा है, ट्रीज कैसे लग रहे हैं कि उनकी तरफ आ रहे हैं, लेकिन वो उनकी उनके पास नहीं आ पाते हैं और वहीं पर रह जाते हैं। सडनली वली क्लैप्ड हर हैंड्स विद ग्ली, थोड़ी देर में वह अपने हाथों को बजाती है, क्लैपिंग करती है, और एक छोटी सी गाय जो है टेल हाई इन द एयर वॉज रनिंग वेरी फास्ट, उसकी जो है वो तेज़ी से दौड़ रही थी सड़क के बीच में, और वह बस के आगे आ जाती है। बस धीरे से रुक जाती है और जो ड्राइवर है वो एक तेज हॉर्न बजाता है, बार बार हॉर्न बजाता है, लेकिन वह डर जाती है और सुनती नहीं है और एक बार बस के आगे खड़ी हो जाती है। समहाउ दिस वॉज वेरी फनी टू वली, ये वली को बहुत फनी लग रहा था और उसे बड़ी हंसी आ रही थी, इतनी हंसी आ रही थी कि हंस हंस के उसकी आंखों में पानी आ जाता है। हे लेडी हैवंट यू लाफ्ड इनफ, क्या तुम बहुत नहीं हंस ली हो, कंडक्टर पूछता है, कल के लिए भी कुछ बचा लो अपने हंसने का। और फिर गाय जो है बस के आगे से हट जाती है और बस जो है रेल रोड क्रॉसिंग पे आ जाती है। एस्पेक ऑफ ए ट्रेन कुड बी सीन इन द डिस्टेंस, थोड़ी दूर पे एक ट्रेन दिखाई देती है, बिगर बिगर एंड बिगर एट ड्यू नियर, जैसे जैसे ट्रेन पास आती जाती है थोड़ी बड़ी होती जाती है। देन इट रस्ट पास द क्रॉसिंग गेट विद ए ट्रेमेंडस रोर, और फिर एक तेज आवाज़ के पास, साथ ही रोड जो क्रॉसिंग है गेट होता है उसके पास से वो निकल जाती है। देन द बस वेंट ऑन द ऑन एंड पास द ट्रेन स्टेशन, और इस प्रकार से बस जो है ट्रेन स्टेशन से बाहर आ जाती है। फ्रॉम देयर इट ट्रेवर्स्ड ए बिजी वेलेड ऑन शॉपिंग स्ट्रीट एंड टर्निंग एंटर्ड ए वाइडर थोरोफेयर, सच बिग ब्राइट लुकिंग शॉप्स, उसको बड़ी बड़ी शॉप्स दिखाई देती हैं और एक बड़ी बिजी पब्लिक रोड दिखाई देती है, थोरोफेयर यानी जिस पर बहुत सारे लोग हों, ऐसी रोड दिखती है, उसे बहुत बड़ा लगता है क्योंकि वो गांव में रही हुई है और उसे चमक दिखाई देती है वहाँ पर जो कपड़े हैं और सब चीज़ें, सामान जो हैं, थिंग्स फॉर सेल जो हैं, मर्चेंडाइज यानी जो चीज़ें बेचने के लिए रखी हैं, और उसे बहुत भीड़ भाड़ वहाँ पर दिखाई देती है और वह सब चीज़ों को देख करके बहुत अचंभित हो जाती है, उसे वंडरफुल लगता है ये सब।
कंडक्टर फिर कहता है, हे लेडी आरंट यू रेडी टू गेट ऑफ, क्या आपको उतरना नहीं है? तब वे कहती, नहीं मुझे उतरना नहीं है, मैं इसी बस में अब वापस अपने घर जाऊंगी। फिर वह कहता है कि क्यों? कहती, नहीं कोई बात नहीं है, बस मुझे तो बस में बैठना था। फिर वह कंडक्टर कहता है, क्या तुम्हें देखना नहीं है कि यहाँ पर क्या है? नहीं। तो फिर वह कहती है, मुझे थोड़ा डर लग रहा है। ग्रेटली अम्यूज बाई द गर्ल्स वे ऑफ स्पीकिंग द कंडक्टर सेड, वो कंडक्टर को लड़की के बोलने का तरीका अच्छा लगता है, बट यू वरंट एफरेड टू कम इन द बस, जब तुम आई तब तो तुम्हें डर नहीं लग रहा था? नथिंग टू बी एफरेड ऑफ अबाउट दैट, शी आंसर्ड, हाँ उस बात का कोई मुझे डर नहीं लगा। वेल देन वाई नॉट टू गो दैट स्टॉल ओवर देयर, तो फिर अब उस स्टॉल पर भी जाओ एंड हैव समथिंग टू ड्रिंक, और कुछ ले लो खाने पीने का, डरने की क्या बात है? ओ नो आई कुडंट डू दैट, नहीं मैं ये काम नहीं करूँगी। वेल देन लेट मी ब्रिंग यू ए कोल्ड ड्रिंक, मैं तुम्हें एक कोल्ड ड्रिंक ला कर के दे दूँ? तो कहती है, नहीं मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो कहता है कि मैं खुद दे दूँगा पैसे। तो वो कहती है, नहीं नहीं मुझे नहीं लेना है। कंडक्टर पूछता है, क्या तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार नहीं करेगी? कंडक्टर आस्क्ड व्हेन शी गेव द गर्ल हर टिकट, फिर से वो पूछता है कि अब तुम्हारी माँ क्या तुम्हारा इंतजार नहीं करेगी? तब कहती है, नहीं नहीं कोई भी नहीं है। अब वापस बस चल पड़ती है। वाली वाजेंट बोर्ड इन द स्लाइटेस्ट एंड ग्रीटेड एवरीथिंग विद द सेम एक्साइटमेंट, अब वो सब चीज़ों को उतने ही एक्साइटमेंट से देख रही थी। बट सडनली शी सॉ ए यंग काउ लाइंग डेड फॉर द बाय द रोड साइड, अब उसे क्या दिखता है कि एक छोटी सी काउ जो है गली रोड के साइड में डेड है, मरी हुई है। जस्ट वेयर इट हैड बीन स्टक बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल, किसी तेज गति से आने वाले व्हीकल ने उसे टक्कर मार दी और वह मर गई। इजंट दैट द सेम का, वो कहती कि क्या ये वो तो नहीं है जो अभी हम जब आ रहे थे तब जो गाय दिखी थी? तब कंडक्टर सिर हिलाता है। एंड शी वॉज ओवरकम विथ सैडनेस, और वो सैडनेस से घिर जाती है। What had been a lovable, beautiful creature just a little while ago had now suddenly lost its charm and its life and looked so horrible. अरे अभी तो ये जिंदा थी और अब इसने अपनी ज़िंदगी खो दी, अब उसे बहुत हॉरिबल लगता है वो सीन, और वह डर जाती है और उसकी किस तरह से वह लाइफलेस पड़ी है, उसकी आँखों में जान नहीं है ये देखती है, और बस आगे बढ़ जाती है। लेकिन उसके मन में जो मरी हुई गाय थी वह बाहर नहीं आती है। शी नो लॉन्गर वॉन्टेड टू लुक आउट द विंडो, अब वो विंडो से बाहर देखना नहीं चाहती है। मरी हुई गाय को देख करके उसका मन इतना उदास हो जाता है कि वो बाहर देखना पसंद नहीं करती है और अपनी सीट से चिपक करके बैठ जाती है। शी स्टूड अप एंड स्टेज हरसेल्फ, देन शी टर्न टू द कंडक्टर एंड सेड, वेल सर आई होप टू सी यू अगेन, फिर वो कहती है कि हो सकता है सर मैं आपसे फिर मिलूँ, कंडक्टर को कहती है। फिर कंडक्टर कहता है, ओके मैडम, और वह मुस्कुराता है। जब भी आपको लगे कि बस में जाना है तो आप आ सकती हो और मैं आपसे किराया लेना भी नहीं भूलूँगा। वह हंसती है और बस से नीचे आ जाती है और अपने घर चली जाती है भाग करके। व्हेन शी एंटर्ड हर हाउस, जब वो अपने घर में जाती है, She found her mother awake and talking to one of Wally's aunts, the one from South Street. और अपनी माँ को देखती है कि वो किसी आंटी से बात कर रही है, और ये आंटी जो थी वो बिल्कुल चैटर बॉक्स थी, हमेशा चैटरिंग करती रहती थी। Never closing her mouth once she started talking. जब भी वो बात करना शुरू कर देती थी बात करना बंद नहीं करती थी। And where have you been? said her aunt when Wally came in. जब वली आती है तो पूछती है कि तुम कहाँ थी, और वह शी स्पोक वेरी कैजुअली नॉट एक्सपेक्टिंग ए रिप्लाई, सो वली जस्ट स्माइल, वली स्माइल कर देती है और उसकी माँ फिर दोनों बात करने लग जाती हैं, दोनों वो मिलकर के बात करने लग जाती हैं। वली कोई जवाब ही नहीं देती है। येस यू आर राइट हर मदर सेड, हाँ तुम ठीक हो उसकी माँ कहती है। सो मैनी थिंग्स इन अवर मिस्ट एंड इन द वर्ल्ड आउटसाइड, हमारे बीच में और संसार में, हाउ कैन वी पॉसिबली नो अबाउट एवरीथिंग, हमें कैसे सब चीज़ों का पता हो सकता है? और इस तरह से वो आपस में बात करती रहती हैं। ओ यस ब्रेड बली, बली को थोड़ा सांस आती है कि ठीक है इन्हें पता नहीं चला।
What asked her mother? क्या? What is that you say? क्या तुमने कहा कुछ? Oh, वो कहती है हाँ, I was just agreeing with what you said about things happening without our knowledge. मैं वो बात कर रही थी कि हमें पता ही नहीं होता और बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं. Just a chit of a girl, she said her aunt. उसने इसकी आंटी ने कहा ये तो हर बात में अपनी टांग अड़ाती रहती है, इंटरेस्ट लेती रहती है, चाहे इससे जुड़ा कोई मैटर ना हो. वाली स्माइल टू हरसेल्फ, वो खुद ही मुस्कुराती है और सोचती है कि इन्हें पता नहीं चला. शी डिडेंट वॉन्ट देम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल, वो नहीं चाहती है कि वो क्यों मुस्कुराई है इनको पता चले. बट देन देयर वाजंट मच चांस ऑफ दैट वॉज देयर, अब उसको ऐसा कोई मौका नहीं मिलेगा, घूमने का कोई मौका शायद उसे ना मिले. इस प्रकार से वह अपनी एक यात्रा करके आ जाती है बस की. और कहानी बहुत ही अच्छी है, समझदारी वाली है. यहाँ पर वह डेथ के बारे में भी जान लेती है एंड लाइफ के बारे में भी जान लेती है. संसार में क्या कुछ हो रहा है उसे पता चल जाता है, जबकि दूसरी तरफ उसकी मॉम जो है, उसकी मदर जो है, वो ये नहीं जान पाती है कि उसकी जानकारी के बिना बाहर क्या क्या हो रहा है. इस प्रकार से वली अपने बलून्स और खिलौनों से, सब चीज़ों से पैसा इकट्ठा करके बाहर की दुनिया देख करके आ जाती है, जहाँ पर वह ज़िंदगी और मौत का फ़र्क भी देख लेती हैं, जो उसके लिए एक बहुत बड़ी घटना थी. और इस प्रकार से यह कहानी यहाँ पर समाप्त होती है कि वह अपने घर सेफली आ जाती हैं, आराम से वह आ जाती है.